वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और पता ही होगा आप लोगों को कि हमने हैशटैग #1 देखा, 2 देखा, अब आज हम लोग 3 की बात करें। एक बेसिक में ऐसा क्या पढ़ा जाए कि अंग्रेजी हम लोगों को आ जाए, ऐसा क्या पढ़ाई पढ़ाऊं आपको कि आप इंग्लिश सीख जाओ। क्या सीख जाओ? इंग्लिश का बेस, इंग्लिश का प्लेटफॉर्म, आपका इंग्लिश का एक बेसिक पॉइंट आपके लेवल पे आ जाए, ऐसा क्या पढ़ा जाना चाहिए। मैं आपसे बात करा था कि इंग्लिश के लिए हमने बात करा था लेटर। अब आप याद करो कि लेटर से जो बड़ा पार्ट होता है उसे हमने कहा था कि वर्ड होता है, और वर्ड से बड़ा पार्ट जो होता है उसे हमने कहा था कि क्लाउज होता है, राइट। और लेटर तक हमने आपको पढ़ा दिया था, आज बात करूंगा वर्ड का और आज बात करूंगा क्लाउज का। तो चलिए देखते हैं करके कि भाई लेटर और वर्ड और क्लाउज में क्या अंतर है। सबसे पहले हम वर्ड की बात करें। अब यहां वर्ड की बात करें तो वर्ड होता क्या भाई, जानने का प्रयास करते हैं। तो वर्ड को हम लोग कॉमन क्या जानते हैं कि भाई अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज कॉल्ड वर्ड। लेकिन एक गलत कंसेप्ट है, किसने कह दिया कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। हमने लिख दिया GOOD, गुड, गुड तो एक वर्ड है ही, लेकिन अक्षरों के समूह, अब वेल यहां पे देखो कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन अगर हमने मान लो इस तरह से कुछ बोल दिया तो क्या हमने OO ले लिया, G ले लिया, D ले लिया, तो क्या ये वर्ड होगा? नहीं ना, ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है बट दिस इज नॉट अ वर्ड। इसलिए हम लोगों को एक एक वर्ड पे कंट्रोल करना होगा, डिफिनेशन देने के लिए हम लोगों को कमांड करना होगा कि डिफिनेशन भी सही हो। यानी कि वर्ड होने के लिए यहां पे बोलना पड़ेगा कि अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर, यानी हम लोगों को बोलना पड़ेगा इस तरह से कि वाई एक अच्छा से व्यवस्थित हो, अ वेल अरेंज्ड, एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ क्या भाई, ग्रुप ऑफ लेटर्स, a well arranged group of letters which makes a complete sense is called word, is called वर्ड। हमने कहा बच्चे, आप सीख पा रहे हो ना सब लोग, हमने कहा कि वेल अरेंज्ड, एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। एक अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ अक्षरों का समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। अब तुम लिखो गुड, अब देखो गुड एक अच्छा से अरेंज किया हुआ है तभी यह बना शब्द। हमने कहा, अब यहां पर दो बात समझना आपको, मैं आपसे कुछ बात करूं, यहां पर आपने इसको सीख लिया, लिख लिया, मैं आपसे दो तीन बातें करूं वर्ड को जानने के लिए। मैं आपसे कहूं, यहां पे जानना आपसे पूछ रहा हूं, हमने कहा वेल टू डू, वेल टू डू, अब बताओ ये एक शब्द है कि तीन शब्द है, जल्दी बताओ। हमने आपसे कहा फादर इन लॉ, अब बताइए कि तीन शब्द है या एक वर्ड है, एक वर्ड है या थ्री वर्ड्स हैं। आप कुछ बच्चा, मैं सुन रहा हूं आप में से बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक दो तीन शब्द है, एक दो तीन शब्द, ना ऐसी गलती ना कर रहे बच्चे, ये तीन शब्द नहीं है, ये तीनों मिलकर के एक बना, क्या बना भाई, तो ससुर, ससुर, ये ससुर बना फादर इन लॉ। अब ऐसा तो नहीं कि फादर में स इन सू ये लॉ, ऐसा नहीं, ये इसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड, इसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड, मतलब कि एक से अधिक लेटर का समूह से मिलकर के सब। वैसे मान लो तुमने एक वर्ड बोला बॉय, राइट, बॉय एक वर्ड हो गया, लेकिन हमने बोल दिया बॉयफ्रेंड, अब दोनों मिलके एक वर्ड बन गया। हमने बोला वेल टू डू, इसका हिंदी हुआ खुशहाल, क्या हिंदी हुआ खुशहाल, खुशहाल, ही बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली, ही बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली, मतलब वो खुशहाल फैमिली से बिलोंग करता है। तो खुशहाल यानी कि वर्ड होने के लिए क्या चाहिए, अक्षरों का समूह तो चाहिए चाहिए, लेकिन वो मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो अक्षरों का समूह से एक वर्ड से बना हो, चाहे एक से अधिक शब्द से बना हो। जैसे मान लो हमने कहा आपके सामने स्टेपसन, स्टेपसन, अब आपने कहा स्टेपसन, अब स्टेप एक अलग वर्ड है, सन एक अलग वर्ड है, आपने मान लो बोल दिया गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड रखते हो आप लोग, तो गर्ल क्या है एक नाउन हो गया, फ्रेंड एक नाउन हो गया, अब दोनों मिलकर के एक ही नाउन तो बना ना, लड़की दोस्त, अब दोनों मिलकर गर्ल अलग लड़की है, फ्रेंड अलग है, लेकिन अलग अलग करेंगे तो भी एक वर्ड है, दोनों मिल गया तो भी एक ही शब्द में काउंट किया जाएगा। यह बात समझ में, आप सबों को कहने का सेंस है कि कंपाउंड होना चाहिए। अब एक ऐसे ही नॉर्मल सी बात करूं, जैसे आप ऐसे लिख रहे हो, आप लेटर राइटिंग कर रहे हो, कोई पत्र लिख रहे हो, आपने आपसे हमने कहा कि बोलो
1947 बोलो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो नहीं है लेकिन ग्रुप ऑफ डिजिट्स है। क्या है बोला? ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स है। बोलो एक शब्द है या नहीं है? जब किसी के कंपाउंड को, किसी के ग्रुप को अगर बोलने से कुछ हलचल हो रहा हो, अगर वो हलचल से एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा हो तो वो एक शब्द होने के काबिल होता है। अब बोलो 1947 भारत की आज़ादी। अब यहाँ पे कहीं भी भारत की आज़ादी लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आप जैसे मैं बोलूँगा कि 1947 आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा भारत की आज़ादी, इसका मतलब हुआ कि यह भी एक शब्द हुआ। हमने बोल दिया 1857, क्या बोला हमने? 1857। बोलो 1857 वर्ड है या नहीं है, शब्द है कि नहीं है? भले वो डिजिट का समूह है लेकिन हमने कह दिया 2222। बोलो 22 22 22, ये कोई वर्ड हुआ क्या? नहीं ना, ये वर्ड नहीं है। यह क्या है? एक कॉमन सा डिजिट है जो कि कुछ भी हो सकता है लेकिन ये कॉमन डिजिट नहीं है, ये 1857 है। आप तुरंत बोल दो क्रांति, यहां पे क्रांति नहीं लिखा, आप बोलो क्रांति, इसका मतलब हुआ कि 1857 एक शब्द है ना कि एक वर्ड है, ना कि एक लेटर ऐसी डिजिट है, ये फालतू शब्द नहीं हो सकते। ये क्या हो सकते हैं? एक क्रांति बोला आपने, यानी जो मीनिंगफुल होता है उसे हम शब्द कहते हैं, चाहे वो अक्षरों का समूह हो चाहे वो डिजिट का समूह हो, हमने आपको सिखाने के लिए। अब यहाँ पे हमने कहा क्रांतिकारी घटना घटेगी आपके साथ जब आप DSL के थ्रू जुड़ोगे और DSL के माध्यम से पढ़ रहे हो, क्योंकि हमने आपको सिखाने का बीड़ा उठाया है कि आप एक एक चीज सीखो। ऐसा क्या पढ़ाऊं कि आपको अंग्रेजी आ जाए, बेसिक टू एडवांस। अगले चरण में देखिए दिख रहे हैं, यहां बात करें हम क्लाउज की। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या बच्चे? क्लाउज। अब क्लाउज की बात करें तो वर्ड से बड़ा क्या होता है? क्लाउज। क्लाउज है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, हमने बोला कि वर्ड सबसे छोटा क्या होता है? लेटर। लेटर से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा क्लाउज। अब प्रश्न उठता है क्लाउज को सीखे कैसे? जैसे हमने कहा, मान लो एक सेंटेंस दिया, लता इट्स, लता इट्स। अब आप सोचकर मुझे बताओ कि लता इट्स, एक शब्द लता हो गया, एक वर्ड ए हो गया, इट्स दो शब्द बने, लता खाती है फुल स्टॉप दे दिया। अब बताओ मुझे कि यह सेंटेंस है या क्लाउज है? जल्दी बताना, सेंटेंस है या क्लाउज है? जल्दी बोलो। तो यह जो हुआ लता इट्स, यह एक क्लाउज है ना कि एक सेंटेंस है। क्यों भाई? क्योंकि लता इट्स, लता इट्स सब्जेक्ट और वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है उसे हम क्लाउज कहते हैं। यानी क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, दैट इज कॉल्ड क्लाउज। यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है उसे हम क्लाउज कहते हैं, सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए बोलना पड़ेगा लता इट्स एन एप्पल, लता इट्स एन एप्पल। अब सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, अदर वर्ड भी हो गया। मैं पढ़ाऊंगा आपको अगले चरण में कि सब्जेक्ट क्या है, मैं पढ़ाऊंगा वर्ब क्या है, मैं पढ़ाऊंगा अदर वर्ड क्या होता है, बट अभी आपको सिखा रहा हूं एक एक स्टेप ताकि अब धीरे 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 आगे बढ़ो। आप देखो हमने पढ़ाया वर्ड, अब पढ़ा रहा हूं क्लाउज। तो लता इट्स एन एप्पल, यह क्या हो गया? एक क्लाउज हो गया ना कि एक वर्ड हो गया। अब प्रश्न उठता है कि अब आपसे पूछा जाए कि लता इट्स एन एप्पल सेंटेंस हो गया, अब आपसे पूछूं कि क्लाउज है कि नहीं? तो दुनिया का हर एक सेंटेंस क्लाउज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, जिसमें भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो उसे क्लाउज कहते हैं। तो बोलो पूरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब है कि नहीं? तो एक क्लाउज भी हुआ। अब कहोगे सेंटेंस, तो सेंटेंस हुआ कि नहीं? सेंटेंस भी हुआ, लेकिन यहां तक क्या हुआ? क्लाउज, सेंटेंस नहीं। पूरा क्या हुआ? क्लाउज भी और सेंटेंस भी। चूंकि आपकी उम्र मान लो 20 साल है, आपकी उम्र मान लो 50 साल है, आपकी उम्र 18 साल है, तो आप 5 साल के तो हो ना, 10 साल के तो हो ना, 15 के तो हो ना, लेकिन कोई पूछे 100 साल के, तो भाई 100 के नहीं। मतलब दुनिया का हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं होगा लेकिन हर एक सेंटेंस क्लाउज होगा। इसलिए मैं बात करता हूं, हमेशा कोई सेंटेंस क्लाउज होता है लेकिन हर एक सेंटेंस क्लाउज, हर सेंटेंस क्लाउज होता है लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं होता, हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात में बात करूं कि क्लाउज आखिर क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, एक सेंटेंस आप ध्यान देना, हमें लिखा आई वेंट देयर एंड, आप आराम से देखते रहो, लिखते कॉपी कलम निकाल लो फटाफट, आई वेंट देयर एंड मेट हर, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन सी वाज डांसिंग, I went there and met her when she was dancing. अब मुझे बताओ कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस है कि नहीं है, पूरा का पूरा एक वाक्य है कि नहीं? बोलो यस सर, वाक्य तो है, लेकिन जल्दी से बताओ I went there एक सब्जेक्ट एक वर्ब है कि नहीं बच्चे? तो बोलो क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ, एंड हो गया कंजंक्शन, एंड मेट हर सब्जेक्ट यहां पे छुपा है आई, चूंकि आई यहां पहले से बोल दिया, दोबारा आई बोलने की जरूरत नहीं है, आई छुपा हुआ है, तो हमने बोला आई मेट हर। बोलो यह भी क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? वेन हो गया कंजंक्शन यानी शी वॉज डांसिंग,
यह भी क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो सकता है, बोलो हो सकता है कि नहीं। एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लाउज हो सकता है, बोलो एक क्लाउज है, दो क्लाउज है, तीन क्लाउज है। अब बोलो क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ, सेंटेंस हुआ पूरा लेकिन क्लाउज कितने हो गए? तीन। यानी एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लाउज हो सकता है। अगेन जस्ट वन थिंग मोर, अब यहां पे ध्यान दो, आई वेंट देयर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तीनों क्लाउज में सबसे महत्वपूर्ण क्लाउज कौन सा है? आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग, इस मुख्य काम कौन निभा रहा है? भाई सबसे पहले जाएगा तब ना मिलेगा तब ना डांस देखेगा। हमने कहा आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड मेट हर उससे मिला, व्हेन शी वाज डांसिंग जब वो डांस कर रही थी, तो आई वेंट देयर वह यह क्लाउज मुख्य क्लाउज है। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल क्लाउज, जो सेंटेंस का मुख्य भूमिका निभाए, जो मेन काम करे, जो सेंटेंस का शुरुआत करे, जो स्टार्टिंग हो, विदाउट कंजंक्शन हो, बिना कंजंक्शन के हो, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। बोलो इसमें कंजंक्शन है कहीं? क्या नहीं ना, क्या नाम हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज। और जिसमें कोई कंजंक्शन लगा हो, एंड लगा हो, बट लगा हो, और लगा हो, फॉर लगा हो, नॉर लगा हो, आइदर और लगा हो, नाइदर नॉर लगा हो, इस तरह के जो वर्ड लगे होते हैं जिसमें कंजंक्शन होते हैं उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। राइट बच्चे? यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज जिसमें एंड बट और फॉर नॉर लगा हो, क्या बोलते हैं उसे हम? कोऑर्डिनेट क्लाउज। जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगा हो, व्हाट लगा हो, व्हेन लगा हो, वेयर लगा हो, हाउ लगा हो, है ना, इस तरह के वर्ड लगा हो उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी क्लाउज होते किस तरह के हैं? तीन तरह के। फिर सुन लो, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, क्लाउज तीन तरह के होते हैं। फिर सुन लो, कॉपी सुन लो, प्रिंसिपल क्लाउज जो सेंटेंस की शुरुआत करता हो, जिसमें एंड बट और फॉर नॉर लगा हो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज, जिसमें व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ लगा हो उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्लाउज किन तरह के? तीन तरह के, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। याद हो गया? लिख लिया? फटाफट रख दो। अब यहां बात मैं आपसे फिर से करूं। अब यहां सेंटेंस देखो बच्चे, मेरे बच्चे आप समझने का प्रयास करो, अंग्रेजी बहुत आसान है लेकिन आप जब कॉपी कलम निकाल के पढ़ना शुरू करोगे अंग्रेजी चुटकियों में खेलोगे आप। अगला कॉन्सेप्ट देखो, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। हमने कहा कि भाई ए तुम्हारा कौन सा क्लाउज हुआ? प्रिंसिपल क्लाउज। ए कौन सा क्लाउज? कोऑर्डिनेट क्लाउज। ए कौन सा क्लाउज? सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो सेंटेंस क्या होता है भाई? तो सेंटेंस होते हैं चार। कौन कौन से? हम अभी जस्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, यानी क्लाउज के आधार पर आपका सेंटेंस कितने होते हैं? चार। मैं तेज क्यों बोलता हूं पता है? ताकि मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से कैच करो। दोबारा देखो, तिबारा देखो, ताकि आपको समझने की शक्ति बढ़ जाए, इसलिए मैं आपके तेज बोलता हूं। अगर धीरे धीरे आराम आराम से बोलूंगा ना तो टाइम बीत जाएगा और पढ़ाऊंगा कुछ नहीं। इसलिए आप इसको निगेटिव ना ले बच्चे कि सर तेज बोलते हैं थोड़ा, आप इसको पॉजिटिव लीजिए कि सर मेरे लिए तेज बोल रहे हैं और आपके लिए मैं काम कर रहा हूं, ताकि जल्दी से जल्दी मैं अधिक से अधिक आपको दे सकूं। क्योंकि आपके पास वीडियो पहुंच गया ना, आप दोबारा देखो, तिबारा देखो, चार बार देखो ना, देखते रहो, दिन भर पढ़ते रहो। हमने कहा देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं? चार। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, पांच नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके बिना लिख नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे। देखते हैं फटाफट करके, इसके साथ साथ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस। अब यहां देख लो कि सिंपल क्या होता है सर? तो दुनिया का कोई सेंटेंस, जो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, ध्यान देना, बिना प्रिंसिपल क्लाउज का कोई सेंटेंस नहीं होगा। अभी जस्ट क्लाउज पढ़ा था ना आपने कि दुनिया कोई सेंटेंस जो शुरुआत करता हो तो बिना प्रिंसिपल का सेंटेंस नहीं होगा। तो सिंपल सेंटेंस कौन सा क्लाउज? यानी इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज, यानी पीसी का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लाउज। जो प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा आई वेंट देयर, तो आई वेंट देयर सिंपल सेंटेंस कहलाया क्योंकि प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट हुआ। पीसी मतलब प्रिंसिपल क्लाउज। लो मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल क्लाउज, यानी जो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट हो उसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। राइट, याद हो गया। दूसरा देखो कंपाउंड सेंटेंस, यानी कंपाउंड हो चाहे कोई आउंड हो, अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो उसे प्रिंसिपल क्लाउज से गुजरना पड़ेगा। यानी कंपाउंड सेंटेंस, यानी आप कह सकते हो कि भाई इट बिगिंस विथ, इट बिगिंस विथ, यानी इसकी शुरुआत होगी किससे भाई? तो प्रिंसिपल क्लाउज तो होगा ही होगा, यानी प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज,
कोऑर्डिनेट क्लाउज यानी प्रिंसिपल क्लाउज के साथ अगर मैं कोऑर्डिनेट क्लाउज को मिला दूं तो जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे सर हमने कहा आई वेंट देयर एंड मेट हर, तो एंड कंजंक्शन आ गया। तुम कैसे पहचान लोगे यूपीएससी में कि भाई जिसमें कंजंक्शन लगा हो, जिसमें कंजंक्शन नहीं हो उसे कहना सिंपल सेंटेंस, जिसमें कंजंक्शन लगा हो उसे कहना कंपाउंड सेंटेंस। कैसा कंजंक्शन सर, कैसा कंजंक्शन, एंड बट और नॉर फॉर एज वेल एज, इस तरह के कंजंक्शन लगाओ उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज, उसे कहते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस। अब तीसरा की बात करें हम आप समझने के लिए, भाई तीसरा कौन सा है, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स फिर से बात करूं, वही बात, कॉम्प्लेक्स हो चाहे कोई एक हो अगर वो सेंटेंस है तो इसको शुरू होना पड़ेगा किससे भाई, इसे शुरू होना पड़ेगा प्रिंसिपल क्लाउज तो होगा ही होगा, यानी इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी प्रिंसिपल के साथ सबऑर्डिनेट लगा दिया जाए तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे सर, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि जैसे आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग, तो आई वेंट देयर हो गया प्रिंसिपल क्लाउज और व्हेन वाला क्या कोऑर्डिनेट याद आ रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट मतलब बना क्या, तो ये जो तैयार हो गया वो हो गया कॉम्प्लेक्स। कैसे सर, तो जब तुम कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल के साथ अगर तुम WH में भी लगा देते हो तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग, ठीक है ना, तो आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो मिला हो प्रिंसिपल के साथ सबऑर्डिनेट मिला हो। अब बच गया मिक्स्ड सेंटेंस, तो मिक्स्ड में क्या होता सर, तो मिक्स्ड का मतलब हुआ कि जिसमें सब मिला हो, यानी कि इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है बच्चे, सबऑर्डिनेट क्लाउज जैसे एग्जांपल में दिया था जस्ट अभी कि आई वेंट देयर एंड मेट हर, एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। अब देखो आई वेंट देयर तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, एंड मेट हर कोऑर्डिनेट क्लाउज, व्हेन शी वाज डांसिंग सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो प्रिंसिपल क्लाउज कोऑर्डिनेट क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब हमने कहा कि प्रिंसिपल क्लाउज कोऑर्डिनेट क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज, इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं हम, मिक्स सेंटेंस। फिर समझ लीजिए ये हो गया तुम्हारा सिंपल सेंटेंस, इन दोनों को मिला दिया ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, इसके साथ इसको मिला दिया ये कहलाया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीनों मिला दिया मिक्स सेंटेंस। अब बोलो सेंटेंस प्लस क्लाउज दोनों चीज आपको आया कि नहीं आया। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं। तो अब दिल्ली दूर नहीं है, आप दिल्ली आ भी सकते हैं और घर बैठे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश बहुत बेहतर तरीके से। आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल पे www.dsl.com डालना है, जब डालोगे तो सारा डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा, आपके सारे क्लासेस का शेड्यूल आ जाएगा, आप घर बैठ करके आराम से पूरा कोर्स कर सकते हैं और आराम से एक वीडियो को कई बार देख सकते हैं। यूट्यूब के अलावा आप अलग से पूरा फुल कोर्स जो बैच में पढ़ाता हूं दिल्ली में वही लाइव आपके घर पे हो जाएगा अपने मोबाइल बैच के माध्यम से, आप तरीके से पढ़ सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं ऑफिस में, वो पूरा स्टाफ आपको समझा देगा। मैं आपके सहयोग के लिए हर काम करता हूं ताकि भारत का हर बच्चा अंग्रेजी बेहतर तरीके से सीख पाए। अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो आप बेहतर तरीके से दिल्ली आ सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूं, स्पोकन के लिए भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, आप वहां भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।